माइक्रोवेव में चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट करने के लिए क्लॉक टाइमर और ऑटो मेन्यू बटन को आपने 2 सेकंड के लिए एक साथ प्रेस करना है। चाइल्ड लॉक का सिंबल डिस्प्ले पे शो कर रहा है। इसी तरीके से इसको डीएक्टिवेट करने के लिए दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस करें 2 सेकंड्स के लिए। चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेट हो जाएगा। माइक्रोवेव को कैसे साफ करें? इसको बाहर आप हल्के गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। जो इस पर स्टीम बाहर आ जाएगी उससे भी आप उसको क्लीन कर लेंगे। सिमिलरली इसकी ओवन विंडो हल्के गीले कपड़े से साफ हो जाएगी। इसके अंदर जो हमने 2 अटैचमेंट्स लगाई हैं, टर्न टेबल और रोलर रिंग, अगर उस पर फूड पार्टिकल्स जम गए हैं या कुछ स्पिलेज हो गया है पानी का, खाने का, उसको क्लीन करने के लिए ग्लास टर्न टेबल को आप बाहर निकालें, गरम पानी में साबुन के साथ इसको वॉश कर ले, ये साफ हो जाएगी। साफ होने के बाद इसको प्लेस कर दे माइक्रोवेव यूज करने से पहले। इसी तरीके से इसके रोलर रिंग को साफ कर ले और दोबारा साफ करने के बाद प्लेस कर दे। अगर इसके अंदर स्पिलेज हो गई है ओवन फ्लोर पे, स्क्रैचलेस स्पॉन्ज से आप इसको साफ कर लें, ये क्लीन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल को इसी तरीके से हल्के गीले कपड़े से साफ कर लें। आपको ये ध्यान रखना है कंट्रोल पैनल आपका गीला ना हो, नहीं तो आपके कंट्रोल बटन्स माल फंक्शन कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव में खाने की स्मेल आ रही है या कोई और चीज़ है, जैसे आपने फिश बनाया, आप नहीं चाहते कि दूसरे खाने में उसका स्मेल मिक्सअप हो, तो आप इसके अंदर माइक्रोवेव सेफ बॉल में 1 कप पानी और लेमन जूस डाल दें, नींबू का जूस उसमें डाल दें। 5 मिनट के लिए माइक्रो फंक्शन पे उसको स्टार्ट कर दें, उसका जितना भी स्मेल है सब निकल जाएगा। हमें इसमें सिर्फ माइक्रोवेव सेफ बर्तन यूज करने हैं, इसमें स्टील, एल्यूमिनियम या मेटल के बर्तन यूज नहीं होंगे। जैसे कि ग्रिल रैक था वो सिर्फ ग्रिल फंक्शन में ही यूज होता था, वो माइक्रोवेव में यूज नहीं होगा, क्योंकि ग्रिल फंक्शन में जो हीटिंग है वो हमारे ऊपर लगे मेटल एलिमेंट से ली जाती है। और अगर आप इसमें कोई प्लास्टिक का पॉली बैग रख रहे हैं तो आप ध्यान रखें उसमें प्लास्टिक के क्लिप्स लगे हों, मेटल के क्लिप्स ना लगे हों। अगर आप इसमें डायरेक्टली कोई फूड या वेजिटेबल डायरेक्टली रख देते हैं तो आप उसको पील ऑफ करके रखें ताकि वो अंदर जाके बर्स्ट ना हो।